फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त नाश्ता। यकीन मानिए, इतने ज़्यादा टेस्टी बनते हैं कि आप फ्रेश ब्रेड से इसे बनाना पसंद करेंगे। ये मैंने बची हुई ब्रेड के किनारों से बनाया है। ये इतने ज़्यादा टेस्टी बने थे कि बच्चों का तो मेरा डिमांड है कि फिर से इसे बना के देने का। तो एक बार मेरे कहने पर आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़रूर कॉमेंट करके बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो चलिए, बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को बनाना। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि हम बची हुई जो ब्रेड रहते हैं उसे, उसके जो किनारे रहते हैं उसे फेंक देते हैं, तो आज के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे पास ब्रेड के कुछ इस तरीके से लास्ट के पीसेस बच गए थे। मैंने सैंडविच बनाए थे तो उसमें से ये किनारे और ये सब बच गए थे, तो मैंने सोचा इनका क्या किया जाए। तो कुछ एक नई रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसका करना क्या है कि हम सबसे पहले ये जो जितने भी ब्रेड हैं उनको छोटे छोटे पीसेस में कट करके इस तरीके के मिक्सी के जार में डाल के इसे बारीक पीस लेते हैं। इस तरीके से पहले इन्हें छोटा छोटा पीसेस ही कर ले। अब हम इसे एकदम बारीक पीसेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ब्रेड के क्रम्स जो है बनके बिल्कुल रेडी हैं। अब हम क्या करेंगे, एक नॉन स्टिक पैन लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है हमें, तेज़ नहीं रखना है, ये ध्यान रखिएगा। और पैन हमें नॉन स्टिक पैन ही लेना है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून घी। घी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा घी रहेगा तो ये अच्छा सा रोस्ट होता है और खाने में इसका थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है। अब हम इसमें डाल देंगे ये ब्रेड क्रम्स। अब हम इसे हल्के हल्के हाथों से हिलाते रहेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। बीच बीच में हमें रोकना नहीं है, अगर हम बीच में स्टॉप कर देते हैं तो एक साइड से कुछ ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे और एक जगह से सॉफ्ट रह जाएंगे, इसलिए हमें कंटिन्यूसली इसलिए मीडियम फ्लेम पे इसी तरीके से चलाते रहना है। जैसे जैसे हम इसे चलाते रहेंगे ये घी जो है अपने आप इसमें मिक्स होता रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे कंटिन्यूसली इसी तरीके से चलाते जा रही हूँ। जैसे जैसे हम इसे चलाते जाएंगे ये धीरे धीरे सिकता जाएगा। गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो आप देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे ये सिक रहा है इसका कलर जो है चेंज होते जा रहा है। लगभग 5 से 7 मिनट लग जाएंगे इसे सिकने में। हल्का सा गोल्डन ब्राउन होगा तो ही इसका टेस्ट अच्छा आएगा। तो ये देखिए अभी थोड़ा सा और बाकी है, बहुत ज़्यादा भी लाल नहीं करना है। अगर बहुत ज़्यादा भी लाल कर देंगे तो इसमें जो कड़वापन का टेस्ट आएगा, तो हल्का सा गोल्डन ब्राउन ही चाहिए। देखिए इस तरीके से इतना कलर एकदम परफेक्ट है। अब इसी स्टेज में हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। बंद करने के बाद भी इसे कंटिन्यूसली एक दो बार चला लेंगे और नीचे उतार लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इससे हम अच्छे से ठंडा होने देंगे। जब ठंडा हो जाएगा तभी हम इसका ये नाश्ता बनाएंगे, तो बहुत स्वादिष्ट बनेगा। गरम गरम में करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा बनाने में। तो फ्रेंड्स, ये जो ब्रेड क्रम्स है एकदम ठंडा हो चुका है। अब हम डालेंगे इसमें प्याज। यहाँ पे बारीक कटा हुआ प्याज लिया है मैंने एक बाउल भर के। आधा बाउल लिया है बारीक कटा हुआ टमाटर। जितना टमाटर है ठीक इक्वल उसी के इक्वल में मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च ली है बारीक कटी हुई। आधा बाउल यहाँ पे लिया है मैंने धनिया पत्ती बारीक कटी हुई। ये तला हुआ सिंगदाना है, ये लिया है लगभग 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून ही ये सेव है जो हम सेव पूरी में डालते हैं, वो वाले सेव बारीक वाले 0 नंबर वाले। चना की दाल है, फ्राइड चना की दाल है ये। साथ ही में हम इसमें डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च, नमक, और ऊपर से हम थोड़ा सा इसमें इस तरीके से नींबू स्प्रिंकल कर देंगे। बाकी आप अपने हिसाब से कुछ भी ऐड कर सकते हो, लेकिन इनका जो मैंने जो टेस्ट डाला है ये एकदम परफेक्ट है, बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं इससे ये। अब हम इसे अच्छे से इस तरीके से मिला लेते हैं। आप चाहे तो इसमें हरी मिर्ची, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बच्चों के लिए बना रही हूँ तो यहाँ पे मैं हरी मिर्ची ऐड नहीं कर रही हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा ये जो नाश्ता है बनके बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे सर्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कांच की प्लेट ले ली है, इसमें हम इसे सर्व करेंगे।
और ऊपर से आपको फिर से थोड़ा बहुत सेव, सिंगदानी और चना की दाल स्प्रिंकल करनी है तो कर सकते हो, अदरवाइज़ ऐसे भी सर्व कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बने हैं, ट्रस्ट मी फ्रेंड, एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके पास ब्रेड के किनारे ना हो तो आप फ्रेश ब्रेड ला के भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, कैसे लगी आज की ये वीडियो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की हुई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी मेरा पेज है, उस पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो।